से मेन जो की पॉइंट्स हैं वो है आप गाइडेंस और आपको मोटिवेशन मिलती रहे और आपके साथ में स्टैंड में खड़ा रहे। मेरे लिए गाइडेंस टीचर्स ने दी और मोटिवेशन भी टीचर्स की तरह था फैमिली के द्वारा, और स्टैंड भी टीचर्स और फैमिली दोनों ने किया। मेरी फैमिली बैकग्राउंड से किसी को नॉन मेडिकल मेडिकल तो की नहीं, तो मेन गाइडेंस तो फिर टीचर्स को ही देनी पड़ी। और जो बात थी स्टडी मटेरियल की, या ड्यूरिंग टाइम टू टाइम हर जो टेस्ट आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करना, उसके लिए जो भी मटेरियल देना है और जैसे उसको किस तरह से करना है वो सभी टीचर्स ने बताया। बेसिकली ये है कि टीचर्स आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं, जितना आप खुद को सोचते हो कि आपको बारे में खुद को पता है नहीं, टीचर्स को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो हर चीज़ बता सकते हैं आपको किस एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, कब करना है और क्या आपके लिए सूटेबल है। ये भी नहीं है अभी एक एग्ज़ाम है तो सभी को सेम ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हर के लिए होगा, किसी को स्पीड की कमी होगी, किसी को एक्यूरेसी की कमी होगी, तो वो टीचर ही सेट करेंगे। तो मेरे लिए सक्सेस तो मेन मेरे टीचर्स के द्वारा ही थी, और तो बस अपना हार्ड वर्क तो रखना ही रखना है, वो तो सक्सेस आपकी मतलब अपने बल पे तो होगी होगी, खुद से तो करना ही अपना एफर्ट पूरा देना ही। और तो मतलब वही है, टीचर्स ने गाइड किया, मेन तो गाइडेंस ही थी मेरे लिए जो मुझे और कहीं से नहीं मिल सकते थे, टीचर्स दे सकते थे। तो और पढ़ने में क्या है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल सारा वो देंगे। ओलंपियाड्स के लिए उन्होंने बताया ये करना है, नीति सर ने पूरा अपना मदद दिया कि किस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। लेवल वन की तैयारी कुछ और ही होती है, लेवल टू कुछ और है, अगर हम खुद से करते तो मतलब बिल्कुल जीरो था। तो सारे टीचर्स ने बताया हाँ इस टाइम पे ये करो, लेवल टू के लिए इरोडव करनी है तो लेवल वन के लिए ईजी क्वेश्चन करने हैं, पर स्पीड में गेन करनी है। बोर्ड के लिए तो कुछ इतना था नहीं, बस अपने क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तो सभी टीचर्स ने बताया। तो मेन रोल तो आईक्वेस का ही है, प्री प्लान रखो सारा, रैंडमली करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी पक्का। प्री प्लान चलोगे हाँ ये चीज़ करनी है तो एक दो चीज़ और याद आएंगी, ये भी करनी है वो भी बीच में होंगी, वरना अगर रैंडमली चलोगे सोचोगे नहीं कोई नहीं टाइम बहुत पड़ा है थोड़ा सा बाद में कर लूँगा, फिर वो बाद में चीज़ें याद आएंगी तो वो रह जाएंगी। तो तुम्हारा अगर कभी सोचते हैं अभी इतना टाइम स्टडी को कैसे दे, अगर प्री प्लान भी चलोगे ना तो भी ऐसे होता हाँ ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है, तो खुद स्टडी के लिए टाइम भी अंदर बढ़ता रहेगा। और बाकी तो मतलब टेस्ट के लिए जैसे कहा पहले, टेस्ट सीरियसनेस से तो पूरे यही मैसेज है, जितना सीरियसनेस टेस्ट दोगे आई शेयर कर सकता हूँ कि उतना ही आपका बेटर होगा उस दिन भी। अभी मतलब डिसाइड करना है कौन से, मतलब IIT तो करूँगा अभी डिसाइड नहीं है पक्का, मे बी इट विल बी बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर, तो फ्यूचर का तो अभी नहीं कह सकता कुछ। बाकी उसके बाद की स्टडी का भी मतलब टीचर्स कहते हैं, सीनियर्स कहते हैं 4 साल में आपको इतनी अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे कि आप खुद नहीं जा सकते कि कहाँ जाओगे, कुछ मन बना के जाओगे तो भी कहीं और पहुँच जाओगे, कुछ नहीं कह सकते। तो फ्यूचर गोल्स से भी बात करिए।